हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मेरे पास आज एक इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन आया है, जिसका मॉडल नंबर ARC 200 TG के नाम से है। और इसमें प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि इसमें सिर्फ एक बार स्पार्क लेता है, एक बार वेल्डिंग होता है और दूसरा बार जो है ये वेल्डिंग नहीं करता है। चलिए हम ट्राई करते हैं एक बार और आपको दिखाते हैं। पावर ऑन कर दिए हैं हम लोग, पावर प्लग करके उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। आपको देख सकते हैं कि एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेके यहाँ पे चेक करने के बाद सिर्फ ये एक बार ही स्पार्क करता है। तो सेम कंडीशन दोस्तों आपको वेल्डिंग रॉड जो होता है, वेल्डिंग होल्डर के साथ भी होता है, सिर्फ एक ही बार ये वेल्ड करता है, उसके बाद जो है ये वेल्डिंग नहीं करता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका वोल्टेज, जो आउटपुट वोल्टेज है, वो भी आपको लो वोल्टेज शो कर रहा है अभी। फिर से दोबारा हम ट्राई करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है, सिर्फ ओसी की तरह ये आता है, लेकिन ओसी लाइट अभी ऑन नहीं है, ओसी लाइट नहीं जल रहा है अपना। चलिए हम इसे खोल लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये, चूँकि ये सिंगल प्लेट वाली बोर्ड है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसमें पूरा सेट ही खुल जाता है इसका, जैसे कि देख रहे हैं। तो चलिए हम इसमें कोई जो अपना कंपोनेंट जला हुआ या नहीं तो ब्रस्ट किया हुआ वो हम चेक कर लेते हैं। पहले देख सकते हैं ये डायोड भी अपना ओके है, इसे हमने मल्टीमीटर से भी चेक कर लिया था पहले। उसके बाद ये इसका IGBT ये भी ओके है दोस्तों। तो कहने का मतलब आपको ड्राइवर सेक्शन और इसका जो आउटपुट सेक्शन है वो इसका ओके है, डायोड सेक्शन और इसका IGBT दोनों ओके है इसका। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये हीट सिंक सेंसर जो है, हीट सेंसर ये भी आपको ओके है। और ये वायर जो देख रहे हैं, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर का वायर है दोस्तों, दो पीस रेड और ब्लैक। तो कहने का मतलब ड्राइवर सेक्शन और आउटपुट सेक्शन जो है इसका ओके है। अब अभी इसे हम सीरीज लाइट में जो है चेक करेंगे, एक बार इसका जो हम वोल्टेज को दोबारा से मेजरमेंट कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कंट्रोल कार्ड को 12 वोल्ट और ड्राइवर ट्रांसफार्मर में जो AC पल्सेस, जो कि ऑसिलेटर ऑसिलेटिंग वोल्टेज होता है दोस्तों, वो हमें चेक करना होता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं और सबसे पहले इसे हम पावर ऑन करते हैं दोबारा। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे मीटर को DC रेंज में रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7812 लगा हुआ है दोस्तों रेगुलेटर IC। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है 25 वोल्ट तकरीबन ओके है दोस्तों। इनपुट वोल्टेज है ये, और उसके बाद ये आउटपुट 12 वोल्ट भी इसका ओके है। अब हम इसका जो ऑसिलेटिंग वोल्टेज होता है, ऑसिलेटिंग पल्स, उसे हम चेक करते हैं AC रेंज में डाल के मीटर को। तो AC रेंज में हमने यहाँ पे मीटर को डाल दिया और देख सकते हैं कि 9 वोल्टेज, किसी प्रकार का जो यहाँ पे वोल्टेज हमें शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब फॉल्ट इसका ऑसिलेटर जो सर्किट है, जो कि कंट्रोल कार्ड के रूप में है दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ होता है, ऑसिलेटर सर्किट में प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे दोबारा से जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर का वायर होता है दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है एक रेड एक ब्लैक, उसे हम डिसकनेक्ट करके दोबारा से चेक करते हैं। इसी ड्राइवर ट्रांसफार्मर के दो वायर से जो है दोनों MOSFET या जो आपको IGBT लगा हुआ है इस बोर्ड में, उसे ऑसिलेटिंग जो है पल्सेस जाता है,
तो इसे हमने यहाँ पे दोनों वायर को डिसकनेक्ट कर दिया। अब दोबारा से हम इसका वोल्टेज को चेक करते हैं, इस ऑसिलेटिंग पल्स जो था, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों वायर को हमने यहाँ पे खोल दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे लो वोल्टेज शो कर रहा है, जबकि ये सफिशियंट नहीं है। यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 वोल्ट एसी वोल्ट शो करना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि एक सर्किट, छोटा सा सर्किट यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि 3525 आईसी के पिन नंबर 8, जो कि सॉफ्ट स्टार्टर होता है दोस्तों, उससे लगा हुआ। तो चलिए इसे भी हम एक बार उसे खोल के देख लेते हैं। ये एक प्रकार का सॉफ्ट स्टार्टर के रूप में काम करता है। चलिए देख लेते हैं कहीं ये तो अपना डैमेज तो नहीं है, इससे फॉल्ट तो नहीं। यहाँ पे हमें कुछ फॉल्ट दिखाई दिया है दोस्तों, थोड़ा हल्का ड्राई सॉल्ट सब यहाँ पे है हमें मिला है। तो चलिए इसे हम दोबारा से रिसोल्ट अच्छी तरह से कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कैपेसिटर ड्राई सोल्ड लूज कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे हम रिसोल्ड कर लेते हैं। और इस सर्किट में दोस्तों को 25 वोल्ट जो है पॉजिटिव 25 वोल्ट इन हुआ है डायरेक्ट। इसमें कैपेसिटर है, ऑप्टो कपलर, जीनर और रेजिस्टेंस लगा हुआ। अब से दोबारा से हम दोस्तों इसका एसी वोल्टेज जो कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर को जाता है एसी पल्सेस के रूप में देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी अपना जो है वोल्टेज सेम, प्रॉब्लम भी सेम है। तो कहने का मतलब ये वाला जो किट था छोटा वाला, ये किट भी ओके है, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं था। अब दोस्तों हम डायरेक्ट जो कंट्रोल कार्ड में लगा हुआ है 3525, उस आईसी को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, ये वाला आईसी। और उसके बगल में दोस्तों यहाँ पे 3140 जो आईसी होता है वो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ओसी का तो है नहीं दोस्तों। 3140 जो होता है या 358 जो आईसी होता है, जब आपका सेट में ओसी प्रॉब्लम शो करता है या ओसी प्रॉब्लम आता है, तो उस कंडीशन में हमें ये 3140 और 358 जो है ये दोनों चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल दूसरा जो एसी पल्सेस है दोस्तों वो ही जनरेटर नहीं हो रहा है, ऑसिलेटिंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 3525 जो आईसी होता है उसे हम आयरन की सहायता से फिलहाल हम यहाँ पे खोल रहे हैं। सबसे पहले इसमें हमने यहाँ पे सोल्डिंग लीड जो होता है रंगा डाल के, चूँकि ये डबल लेयर पीसीबी होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा रंगा डाल के ऊपर से ही इसे हम खोल रहे हैं। और हमने यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 16 पिन वाला जो है 8+8 16 पिन वाला आईसी हमने यहाँ पे 3525 खोल लिया है। और जो कंट्रोल कार्ड में जो पीसीबी होल होता है दोस्तों आईसी पिन के लिए, उसे हमने डिसोल्डिंग पंप से क्लियर कर लिया है और डिसोल्डिंग वायर से भी। अब इसे हम पूरे पीसीबी को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं क्लीनर से। उसके बाद दोबारा जो 3525 हमने यहाँ पर लगा देंगे, चलिए हम क्लीन कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हमने नया न्यू 3525 जो है आईसी ले लिया है दोस्तों। अब इसे हम कंट्रोल कार्ड में फिट कर देते हैं। उसके बाद से दोबारा से हम इसका एसी वोल्टेज एसी पल्सेस जो है वो चेक करेंगे, और इसके बाद आउटपुट जो मेन आउटपुट वोल्टेज होता है 60 से 70 वो हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमने यहाँ पे इसे इस कार्ड में जो सेट कर लिया है। अब इसे हम सोल्डिंग करते हैं, अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर लेने
सोल्डिंग करने के बाद इसे हम क्लीन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे SG 3525 ये IC जो है अपना लग चुका है दोस्तों। अब हम दोबारा से इसका वोल्टेज को चेक करते हैं। मीटर 50 के रेंज में जो है AC वोल्टेज के रेंज में लगा हुआ है। अब देख सकते हैं दोस्तों तकरीबन यहाँ पे 30 वोल्ट के आसपास जो है AC वोल्ट बन रहा है यहाँ। इसका मतलब है अपना AC पल्सेस अब ओके है, AC पल्सेस बन रहा है। अब हम जो यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर का वायर है दोस्तों, दो DT वायर, उसे हम कनेक्ट कर लेंगे। और कनेक्ट करने के बाद जो है दोबारा से हम इसका डायोड वाली जो हीट सिंक है और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, उस पर हम वोल्टेज को चेक करेंगे, मेजर करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्पार्क के द्वारा टेस्ट भी कर लेते हैं, दो तीन बार स्पार्क करके हम चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे ड्राइवर ट्रांसफार्मर का वायर जो है कनेक्ट कर लिया है। अब इसे हम पावर ऑन करते हैं। और सबसे पहले जो है इसके जो डायोड वाला प्लेट है दोस्तों, नीचे वाला हीट सिंक वाला प्लेट, वहाँ पे हम एक दो तीन बार हमने यहाँ पे स्पार्क करके देख लिया। तो इसका मतलब है अपना सेट जो है ओके हो चुका है। अब इसे हम पैक कर लेते हैं दोस्तों और उसके बाद से दोबारा से इसे हम चेक करते हैं। और ये जो अपना आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे देख सकते हैं 50 का रेंज में लगा हुआ मीटर DC वोल्ट, रेड प्रोब को पॉजिटिव में और ब्लैक प्रोब को निगेटिव में। आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज अपना ओके दिख रहा है, ओके आ रहा है। अब दोबारा से हम यहाँ पे स्पार्क करके देख लेते हैं मेन दो एम्पियर थोड़ा कम या ज़्यादा करके भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना काम कर चुके हैं और अपना सेट ओके हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में।